राम कथा सुनाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कितने पढ़े लिखे हैं? बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक छोटे से गांव गाढ़ा के रहने वाले हैं, लेकिन इन दिनों देश विदेश में छाए हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म छतरपुर जिले गाढ़ा गांव में एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बागेश्वर बाबा कई बार खुद टीवी चैनल या कार्यक्रम के दौरान यह कह चुके हैं कि एक समय में उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। उनके घर में खाने का अभाव था। उनके पास रहने के ये एक कच्चा मकान था। घर बरसात के दिनों में टपकता था। धीरेन्द्र शास्त्री कई बार मंचों से कह चुके हैं कि उनकी बहन की शादी में उनके एक मुसलमान मित्र ने काफी सहायता की थी। धीरेन्द्र शास्त्री यह भी बताया है कि वह अपने दादाजी को गुरु मानते थे। 9 साल की उम्र में दादाजी के साथ मंदिर जाने लगे थे। उनसे ही उन्होंने रामकथा पाठ सीखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई गंज गाँव से की है। इसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री ली है। वही कुछ लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं। एक इंटरव्यू में धीरेन्द्र शास्त्री खुद भी इस बात को कबूल करते हैं कि वे बीए कर चुके हैं। वही आगे यह भी कहा है कि उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उनकी माँ दूध बेचने का काम करती थी और पिता सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ रोचक बातें बागेश्वर बाबा के बारे में। ऐसे ही जानकारी के लिए बीएस नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और विकास सिंह फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।